मेरा दिल जिस दिल पे विदा है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। तो जी हमारी हो चुकी है वीडियो शुरू, और जितना भी व्लॉग होगा हम अपने सब बहन भाई के साथ शेयर करेंगे, और रहिएगा हमारे साथ साथ। आज की हमारी जो भी रूटीन होगी, जो भी बातें होगी, आप सब बहन भाई सुनिएगा लाजमी। और ये इस वक्त है मेरी गोद में, कक्षा जा चुकी है जी मदरसे में पढ़ने, और मोहम्मद सोया हुआ था वो नहीं गया, और अब गया वो भजन सिंह की तरफ। फिर मैंने कहा चले सो जाने दो से, आज कुछ नहीं होता। ऐसे ही है ना भाई, क्यों भाई छनू मनु ऐसे ही है। आ गए हो, चीज बट रही थी ले आयो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, काका गाड़ी चला रहा है। ए माशद के माशद के माशद के माशद के तू चीखे मारते रहता है चुनु। ए मेरा पारा पारा, ए मेरा शहजादा, गाड़ी को पीछे कर लो। ऐसे चलाना है इसको, ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है भाई, इसने ऐसे चलाना है इसको। भैया झूले दे रहा है इसको जी। ओनू ये प्यारा लगता है आपको? कितना प्यारा लगता है? ओए माशाल्लाह, पापा भी आ गए जी, पापा भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो गए ना उधर, वो भी हंस रहा है, वो भी हंस रहा है, वो उसका ध्यान सीन की तरह है कि मुझे ये ले। छनु शहजादे वही तो देखा है। हाँ भाई खैर, आज मेरे उन्होंने से प्यार नहीं किया। अच्छा वो गए जी पहले तो डेयरी मिल्क, पापा से डेयरी मिल्क मांगेगा भी, फिर पापा उससे प्यार करेंगे। चलो जी, ए शाबाश 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 शाबाश। छोड़ दे छोड़ दे, खुला छोड़ दे, छोड़ दे खुला छोड़ दे। और मोहम्मद चीखे नहीं मारते, ये अब वो चरपाई खाएगी। और मोहम्मद बुरी बात, एक गोद में उसको लिया हुआ तू सीधा, वो भाग रहे थे उन मोहम्मद। गाजर थी, गाजर थी, गाजर थी, क्या खा गई रे उन मोहम्मद? बुरी बात, खाने दो उसे। अच्छा छोटी खाएगी, देना झाड़ू ना खा ले कहीं। खा रही है वो, खा रही है। मौसम जो इंसान इस वक्त आपके सामने ही है। हमारी एक सिस्टर कहती है सिस्टर मौसम को खराब ना कहा करें। मैंने कहा ओके हो गया सिस्टर जी, आज के बाद खराब नहीं कहना, कहना है कि मौसम बड़ा प्यारा है, मौसम है बादलों का, ये कहा करेंगे। हमारी सिस्टर सैयदा दानिश वो कहती जी बारिश का है टाइम। जी जी बारिश, तो सर बारिश आई है आज? आई है बारिश। तवा मैंने साफ कर लिया क्योंकि घी वाला ही था, घी वाला ना था ना, फिर मैं धो लेती से। मैंने कहा रोटी भी तो घी वाली बननी है। हाँ जी, तो तवा किया है साफ, और उसके बाद जो है रोटियों का जो है अमल। वो टिड्डू का है छोटा, वो सर दूध पीने के लिए छोड़कर आया हूँ उसे कैसे के पास। हाँ जी, अंदर चारपाई पे लेटा हुआ है और फीडर पकड़ा हुआ है उसने, दूध पी रहा है। अच्छा और मोहम्मद भी और कैक्षा भी वही है। रात को हम गए थे कहीं काम से, काम से गए थे, किस जगह गए थे? अपने दोस्त के पास गया था, उसकी खैरियत मालूम था। यूसुफ भाई की जरा तबीयत खराब थी, वापिस आए तो पैंपर्स भूल गए छोटे, तो
कहने लगे, 2:30 बजे का टाइम था ना? हाँ, 2:33 था। तो कहने लगे कि मैं जाकर ना उसका छोटा पैंपर ले आता हूँ। पैंपर ले आता हूँ। आगे का मां चला खुदा भी सुनाते हैं। अभी मैंने दरवाजा खोला ही था तो एक लड़का दूर से भागता हुआ आया। दूर से भागता हुआ आया और जो है कहने लगा कि यार अंदर हो जाओ, यहाँ पे आके डकैत खड़े हैं। मैंने कहा तुझे कैसे पता भाई? तेरा यार मेरे से उन्होंने तलाशी ली है। अच्छा। मेरे पास कुछ पैसे थे 200-400 रुपए मेरी मजदूरी के, खाना वगैरह खाकर वो ही बचे थे मेरे पास। अच्छा। तो मैंने कभी कहाँ से आया? वो कहता मैं डार्ट पुल डीजी खान। तो कह रहा वहाँ से मैं यहाँ मजदूरी के लिए आया, बता। तो मुझे उन्होंने मारा भी है और मेरे से वो पैसे भी ले लिए। खैर जो मेरे से हो सका मैंने उसे फिलहाल दे दिए थे। मैंने यार ये लो तुम अपना खाना पीना, कल का तो देखना जितनी मेरी इस हैसियत है। ये रात अपनी गली का ही वाक्य है ना? जी, ये अपनी गली का ही वाक्य। ये यहाँ का वाक्य है, इस गली का। ये आगे तो हमारे घर से थोड़ा सा आगे खाली प्लाट पड़ा हुआ है, ये उसके पास की बात है। इतना मारा पीटा है ना उस लड़के को, बहुत ज्यादा, कि उसका मुंह सुजा दिया था रात। हाँ जी, 1-5 पे कॉल की, लेकिन उसने उन्होंने भी कॉल अटेंड नहीं की। हाँ जी, कॉल नहीं अटेंड की 1-5 वालों ने। ये भी ज्यादती है, अल्लाह माफ करे। एक वो गरीब बंदा बेचारा अपनी मजदूरी करके आ रहा था, ये हाल है चोरों का इनका। बस फिर चीज लेना है। वजह किन्ने? आपने मांगे नहीं थे? खुद ही दे दिए मम्मा ने? झूठ बोल रहे हो आप। मम्मा ने कहा पैसे ले लो। हाँ भाई, बोलता हुआ बाज नहीं आ रहा था, मैं समझ गई थी किसने पैसे मांगे। अच्छा, इसलिए खुद ही दिए? इसका मतलब सच कह रहा है भाई, मम्मा ने खुद दिए। अब वो झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोल रहा ना? झूठ बोलो आप। अब ये झूठ बोलेगा, इसके लिए कपड़ा मौजूद है। अच्छा 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 अच्छा। जो काम मैं कैशा के साथ किया करती थी ना, मैं भी करती थी। हाँ, मैं आपके साथ भी करती थी। कितने साल की थी मैं? ये हम सबके साथ होता था। ये सबके साथ हम भी बनते रहे अपने माँ बाप से। मैंने तो मार भी खाई है अपने भाई को बचाते हुए। नहीं, अच्छा मैंने मार पता किससे खाई है? अपने अम्मी सब्बू से नहीं, मैंने मार खाई है जी अपनी ताई से, पापा से, ताई अब्बू से। मैंने पापा कहते थे हम तो दोनों भाई जब लड़ते थे बहुत पीटते थे, दोनों ही पीटते थे जी, उनसे मार खाई है। तो जनाब ऐसे कैमरा तो हमारे घर में लगा हुआ है, लेकिन हमने कभी जिक्र नहीं किया कि इस घर में हमारा कहाँ पे कैमरा लगा हुआ था। तो मैं यही कहूँगी नहीं, वो से ना जरा भाई तो बाहर बाहर वाले से हैं, उसमें गली में करवा, गली में। और दूसरा कैमरा लगेगा यार, अपने सहन में भी तो लाजमी चाहिए ना, दूसरा लगेगा वहाँ कैमरा। ये तो है। चले देखते हैं बाकी सेटिंग भी को, देखते हैं करते हैं को काम। 10-11 हज़ार का कैमरा है, ला लेके आते हैं इंशाल्लाह, लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो भी काम होगा गलत होगा, खासकर अपनी गली में। अपनी गली में नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था एक परदेसी लड़के के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मारा पीटा लग गया, जुल्म है, जुल्म है। और 1-5 पे जब कॉल की, कोई आया नहीं, कोई आया नहीं, कॉल ही नहीं उठाई 1-5 वालों ने। सो मैंने तो कदम को कहा था उस लड़के को अंदर बिठा दिया था, कहने लगे नहीं। रात का टाइम है, 2:30 बजे का टाइम है, किसी के घर में अनजाने आदमी को बिठाना मुनासिब सी बात नहीं है। मुनासिब सी बात, ये पाकिस्तान का माहौल है, यहाँ पर अनजान आदमी को रात के वक्त घर में नहीं बुलाते। फिर अकेले चला गया था वो? चला गया था वो, जब तक गया नहीं, मैं गली में खड़ा रहा हूँ उसके लिए। गेट खुलता ही समझे वो भाग गया था, मोटरसाइकिल की तरह जैसे आवाज सुनी। एक बार हमारे साथ भी तो हुआ था, याद? बिल्कुल याद है, अच्छी तरह याद। हमारे वक्त में तो कोई आया नहीं था, कोई आया नहीं था। जब आया तो बड़ी देर हो चुकी थी उसको। वो ऐसा हुआ था कि कैक्षा घर थी उस टाइम, उजमा आई थी घर, तो उस टाइम उसके पास एक सजावट था, अशरफ की होने वाली थी। तो कैक्षा थी अपनी छोटी सी, जब हम गए थे ना, तो उजमा कह रहे कि मेरे लिए भी सूख लेते हैं ना,
सर्दी शुरू हो रही थी, मैं तो ठीक है, तो रास्ते में से हमने सामान वगैरह लिया, वापिस आ रहे थे तो मोटरसाइकिल भी क्या हो रहे पैसे भी गए सैलरी के पैसे आए थे उसी दिन सैलरी के पैसे आए थे, वो भी गए, और मेरे ख्याल है उसके पैसे थे, टाउन के पैसे भी थे, हाँ जी टाउन के पैसे भी थे, एक टाउन के पैसे भी थे, वो भी गए, मेरा मोबाइल भी कुलम के पास था, क्योंकि मैंने ना अपना मोबाइल ना ये 3-1 साल से जब से मेरा चैनल बना मैंने अपने मोबाइल जाती हूँ तो अपने पास हाथ में लेके जाती हूँ, मैं मतलब मैं बाहर जा भी जाती थी तो मैं अपना मोबाइल कुलम को पकड़ा दिया करती थी, ये पकड़ लिया मेरा मोबाइल, मेरे कानों में से कांटे उतरवाए थे और गन पॉइंट पे और मोटरसाइकिल ले गए थे हमसे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह, यहाँ तक कि कैशा का दूध भी मोटरसाइकिल पे लटका हुआ था वो भी ले गए थे, हाँ जी उस वक्त कैशा मेरे ख्याल थी अपनी कोई 7-8 महीने की नहीं ज्यादा थी, साल की होने वाली थी, साल की हो गई थी तकरीबन, हाँ साल एक की थी इतनी थी, लेकिन वो हमारे 14 कब तक पता नहीं चला था, वहाँ हम तकरीबन साल तो रहे, साल से ज्यादा रहे उस मकान में ना, फिर तो हमारे जब घर के सामने बिल्कुल डकैती हुई थी ना, हमारी डकैती के 2 महीने बाद ही घर के सामने हो गई, नहीं एक हफ्ते बाद हमारे बिल्कुल घर के सामने हो गई, फिर उसके बाद हमारा दिल खट्टा हो गया, फिर हमने वो मकान छोड़ दिया, मालिक मकान मिनते करने वाले हमारे वो साथ वाली अम्मा जी, हाँ खैर हमारी तो मालिक मकान ने सब जगह ही मिनते किए कि मेहरबानी रुक जाओ, हाँ जी अच्छा फुजैल रोने लग गया, मैं फिर उसे देख लूंगा, माशाल्लाह अंडों का गतावा बना लिया है मैडम ने, जिसमें प्याज टमाटर और जो है अंडे और इधर तवा भी हो चुका है गरम, और जी माशाल्लाह ये देखें गतावा उसके ऊपर डाल भी दिया है, भाई मैं ऐसे ही बनाती होती हूं यार, प्याज बहुत ज्यादा डाल दिए तुमने, इतने मैंने, हां प्याज आपको पसंद है, सारे मुझे रात में इतनी प्याज पसंद नहीं है, बात ना क्या बात, जिस चीज के साथ प्याज पसंद है वो तो मिलते नहीं है, हाँ चावल के साथ आपको पसंद है, दरअसल ना वो सॉन्ग सुन रही थी, कौन सा, मेरा दिल जिस दिल पे विदा है, कैसे है, मेरा दिल जिस दिल पे विदा है, मेरा दिल जिस दिल पे विदा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, करता है तुझे तुझसे चुरा लो, ये करता है तुझे अपना बना लो, आगे आपको नहीं आता, ख्यालों में खोया रहूंगा, नहीं आता, तो जी अंडा भी हमारा बन रहा है जी माशाल्लाह, ये देखो अंडे के साथ भी है आज जाती, वो पता क्या है इसको पका लो नीचे से, खाते घर में ऐसा हमारे नहीं, वो असल में तुम प्याज टमाटर भून के डाल के पकाती ना तो वो फिर वो पूरा हो जाता, अच्छा नहीं लगता यार, वो भी बड़ा मजेदार बनता है, अच्छा खाते नहीं है पहले, खाते हैं लेकिन उस दिन मैंने कैक्षा को बना के दिया था मसाला भून के और उसे पूछा कैसा बना था, मैं पहले बनाती नहीं थी, वो भी बनाती थी, मैं कब कह रहा हूँ, पहले मुझे क्या पता था आपने ऐसे बनाना या वैसे बनाना, हमें तो नहीं पता था कैसा बनाना, ये तो आपको पता था कैसा बनाना, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, हाँ जी कैसे, बिल्कुल ऐसे ही, बेवफा है वो दिल रुबा है, नहीं आप क्या देना कि वो बेवफा है, अच्छा अच्छा मुझे क्या देना कि मैं बेवफा हूँ, अच्छा अच्छा, तो जी हमारा अंडा हो चुका है तैयार, नहीं अभी कहाँ से तैयार हुआ, अच्छा इतनी जल्दी तैयार, तो रोटियां, सर रोटी मैं आपको बताऊंगा कितनी रोटी रखी है, 2 तो खा गए माशाल्लाह से, 2-2.5 इन्होंने खा ली जी, 2-3 5 पराठे रखे हैं, अच्छा तो बच्चों ने भी खाने, तुमने भी खाने, मैंने भी खाने, मैंने क्या खाना, तुमने नहीं खानी, बस एक आपने खाना, 2 भाई ने खाने, 2 मैंने खाने, फिर बच्चे क्या खाएंगे, आप खुदाते थे इतनी सब्जी, ऐसा है कि 2 रोटी अगर सालन अगर कम रह गया ना, मुझे घी जिसमें कम लग रहा है, चलो चलो ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, क्या हुआ है, हाँ उल्टी सीधी नहीं पहन रही, पैंपर, हाँ जी कैक्षा अपने चाचू के साथ जाके ले आई है पैंपर, कैसे बेहतरीन, बहुत अच्छी वॉइस है इनकी और इनके मुंह से बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हाँ क्यों नहीं अच्छा लगता, तेरे नहीं अच्छा लगता,
चलो चलो बनाओ बनाओ पता ही नहीं था जल्दी कर लो भूख लग रही है अब तो खानी है खानी है फायदा हुआ कोई भाई इसका यही काम है साल दिन अच्छा रोटी खानी नहीं नहीं मैं दो पराठे खा लिया मुझे पता था अभी घर जाके भी तो खानी है ना नहीं मैं शाम को बेगम को हाजिरी नहीं लगाना खा रही हूँ घर पर ही खाता मैं बेगम क्या कहेगी कसम खुदा की मेरा बाप भाई सब परेशान है।